Hi Superfans, I'm Swapnil और ये ब्रेकडाउन She-Hulk एपिसोड 5 मीन ग्रीन एंड स्ट्रेट पोर्ड इनटू दिस जीन्स का। लास्ट वीक के एपिसोड एंडिंग पे टाइटेनिया के She-Hulk ट्रेडमार्क केस के बाद इस एपिसोड की शुरुआत होती है टाइटेनिया के उसी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट्स के साथ जो जेनिफर वॉल्टर्स को हर जगह देखने मिलते हैं, इंक्लूडिंग टीवी एड्स और बिलबोर्ड्स पे भी। और इसी चीज का रेफरेंस देते हुए इस एपिसोड का लोगो चेंज कर दिया गया है She-Hulk by टाइटेनिया में। अब जेनिफर वॉल्टर्स अपनी फ्रेंड निकी के साथ जाती है टाइटेनिया के She-Hulk स्टोर में, जहां वो उसे समझाती है कि उसे उसका सुपर हीरो नेम नहीं यूज करना चाहिए। अब ऑफिस में पहुंचकर निक्की जेनिफर को टॉन्ट करती है कि उसे तो ये नाम पसंद नहीं था, तो अब इस नाम को लेके वो इतना सीरियस क्यों हो रही है। अब जेनिफर फिर उसे कहती है कि उसे इस नाम से फर्क नहीं पड़ रहा, बट हमें पता है कि उसे फर्क पड़ रहा है। निक्की से मिलने आता है पग, जो एक स्नीकर लॉन्च के लिए उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। ये है आयरन मैन 3 स्नीकर्स की लॉन्च, जो पिछले कई एपिसोड से टीज किया जा रहा है, लेकिन रियल लाइफ में अभी भी ये शूज कहीं अवेलेबल नहीं है। अगर आपको मिलते हैं तो मुझे बताना, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं इन्हें खरीदने में। अब यहीं पे मेंशन करता है कि उसके पास कई लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स का कलेक्शन है, जो एपिसोड में नहीं दिखाया जाता, लेकिन एपिसोड के एंड क्रेडिट में कॉमिक आर्ट फॉर्म में जरूर दिखाया जाता है। यहाँ पर पग के कलेक्शन में बहुत सारे कॉमिक्स इंस्पायर्ड शूज है, जिनमें कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, मून नाइट, नेमोर, कैप्टन मार्वल और डॉक्टर स्ट्रेंज डिजाइन इंस्पायर्ड शूज भी हैं। लेकिन इसके अलावा कई और शूज भी है जो ऐसे कैरेक्टर्स पे जो फिलहाल एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, जिनमें नोवा, साइक्लॉप्स, द थिंग, डेडपूल, घोस्ट राइडर और मैन थिंग भी है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि नेमोर बहुत ही जल्दी डेब्यू करने वाला है एमसीयू की नेक्स्ट मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से। लेकिन इसके अलावा इस लिस्ट में बहुत सारे म्यूटेंट्स भी इंक्लूडेड है। तो She-Hulk के सेकंड एपिसोड की तरह जहां पर वुल्वरीन का रेफरेंस मिला था, यहां पर भी वंस अगेन कई एक्समैन का रेफरेंस दिया जा रहा है। और सरप्राइजिंगली एक न्यू कैरेक्टर मैन थिंग रिसेंटली हमने वेयरवुल्फ बाय नाइट के ट्रेलर में भी देखा है। अगर आपने वेयरवुल्फ बाय नाइट के ट्रेलर का ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद कार्ड से वो वीडियो चेकआउट कर लेना। यहीं पर पग मेंशन करता है अपने ब्रोकर के बारे में, जिसका नाम है अलोंजो। अब ये रेफरेंस हो सकता है एक्सेल अलोंजो का, जो कि मार्वल कॉमिक्स के एडिटर इन चीफ रह चुके हैं। अब पिछले कई एपिसोड्स से निक्की जेनिफर के आउटफिट अपडेट करने के पीछे है, और इसी चीज के लिए अलोंजो के रेफरेंस पे पग और निक्की जाते हैं बोबा कैफे, जहां का कैशियर उन्हें लेके जाता है बैक स्टोर में रखे हुए कुछ अवेंजर्स मर्चेंडाइज दिखाने। लेकिन ये अवेंजर्स नहीं, अवेंजर्स और अवेंजर्स है, ठीक उसी तरह जैसे रियल लाइफ में भी हमें माइकी, नूमा और अभिबास के फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब जबरदस्ती इन फेक प्रोडक्ट्स को खरीदने के बाद उन्हें उस मिस्ट्री आउटफिट डिजाइनर का पता मिलता है, जहां पहुंच के पग जब ये मेंशन करता है कि उनकी एसोसिएट एक अवेंजर है, तो उन्हें 15 मिनट के कंसल्टेशन का टाइम स्लॉट मिल जाता है। इस सुपर सीक्रेट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के बारे में और डिटेल्स मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अब ऑफिस में हॉलीवे जेनिफर वॉल्टर्स से मिलके उसे She-Hulk नाम के इस इशू को जल्दी सॉल्व करने को कहता है, ताकि वो GLKH की रेपुटेशन को बचा सके। इसी के लिए जेनिफर को असाइन किया जाता है उसका खुद का अटर्नी, जहां हमें दिखती है मैलोरी बुक। मैलोरी बुक को एपिसोड 3 में भी टीज किया गया था, लेकिन इस एपिसोड में जब जेनिफर वॉल्टर्स उसकी क्लाइंट बनती है, वहां मैलोरी बुक को प्रॉपरली दिखाया गया है और उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल मैच करती है कॉमिक्स से। कॉमिक्स में मैलोरी बुक जेनिफर वॉल्टर्स की राइवल लॉयर थी और वो दोनों साथ में ही सेम फर्म GLKH में काम करते थे, लेकिन लेटेस्ट She-Hulk कॉमिक्स में जेनिफर वॉल्टर्स अब मैलोरी बुक की फर्म में काम करती है। तो हो सकता है कि इस सीरीज के एंड तक हमें कुछ ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस देखने मिले। अब मैलोरी जेनिफर को सजेस्ट करती है कि वो लोग टाइटेनिया को काउंटर करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में She-Hulk नाम जेनिफर ने पहले यूज किया था और उसकी पॉपुलैरिटी को यूज करके टाइटेनिया अपना प्रोडक्ट बेच रही है। अब जब केस कोर्ट में जाता है तो टाइटेनिया का लॉयर जेनिफर वॉल्टर्स के कई ऐसे वीडियोस दिखाता है जहां वो मेंशन करती है कि उसे ये नाम She-Hulk नहीं पसंद है और वो चाहती है कि लोग ये नाम यूज करना बंद करें। बट जेनिफर की लॉयर एक क्लिप दिखाती है जहां न्यूज में जेनिफर ने ये कहा था कि ये नाम उसे लोगों ने दिया है और अब वो न चाहते हुए भी She-Hulk है, और इसी रीजन से ये केस हेयरिंग के लिए जाता है। लेकिन इसी बीच जेनिफर को उसके न्यू सुपर हीरो डिजाइनर क्लोथ्स के लिए निकी लेके जाती है ल्यूक जेकबसन के पास। अब ल्यूक जेकबसन मार्वल कॉमिक्स में एक फेमस फैशन डिजाइनर था, जो कनेक्टेड था एक और मार्वल कॉमिक्स की प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर डकोटा नॉर्थ से। अब She-Hulk को अपने सामने खड़ा देख के ल्यूक शॉक हो जाता है, क्योंकि वो इस नाम के किसी अवेंजर को नहीं पहचानता। लेकिन फिर भी वो उससे पूछता है कि क्या उसे किसी ऐसे सूट की जरूरत है जो वाटरप्रूफ हो या उसमें वेपन स्टोर किए जा सकते हैं, जो हिंट दे रहा है कि अवेंजर्स टीम के कुछ और मेंबर्स के लिए भी ल्यूक कपड़े डिजाइन जरूर करता होगा, और एपिसोड के एंडिंग में हमें वो देखने भी मिलेगा। अब ऑफिस में आने के बाद She-Hulk फिर से मिलती है मैलोरी से, जिसके साथ में होता है उसका क्लाइंट टॉड। टॉड वही है जिसके साथ She-Hulk एक डेट पे गई थी, और इवन दो टॉड जेनिफर को फिर से डेट पे ले जाना चाहता है, जो बाय द वे जेनिफर बिल्कुल नहीं जाना चाहती। लेकिन इसी से जेनिफर को एक आइडिया आता है टाइटेनिया के खिलाफ केस जीतने का। पिछले एपिसोड्स में She-Hulk का डेटिंग प्रोफाइल बनाकर वो बहुत सारी डेट्स पे गई थी, और यही चीज केस में उसके लिए प्रूफ की तरह काम करती है, जहां पर वो गवाहों के तौर पर यूज कर
करती है उन्हीं डेट्स को। और इवन दो यहाँ पर जेनिफर से बहुत सारे एम्बेरेसिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हीं गवाहों की वजह से वो केस जीत जाती है। इस जीत को वो सेलिब्रेट करती है मैलोरी ब्रुक्स के साथ बार में जाकर, लेकिन इसके फौरन बाद वो जाती है ल्यूक के पास अपनी न्यू कॉस्ट्यूम्स लेने के लिए, जहाँ पर चेंजिंग रूम में वो कुछ कॉस्ट्यूम्स ट्राई भी करती है। और एक्सपेक्टेड था कि इस एपिसोड में उसकी न्यू कॉस्ट्यूम दिखाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर टीज किया जाता है एक दूसरे ही सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम को, जब ल्यूक जाता है एक और ओपन बॉक्स को क्लोज करने और हमें दिखता है उस बॉक्स में रखा हुआ एक काउल मास्क जिसमें बने दो डेविल हॉर्न्स, जो है ऑफ कोर्स नन अदर देन डेयर डेविल का। और एक्चुअल में ये डेयर डेविल की न्यू अपडेटेड कॉस्ट्यूम का हेलमेट है, जो ऑलमोस्ट मैच करता है उसके नेटफ्लिक्स सीरीज वाली कॉस्ट्यूम से, लेकिन यहाँ पर रेड की जगह येलो कलर यूज किया गया है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि मैट मर्डॉक एके डेयर डेविल जल्दी इस शो में दिखने वाला है, लेकिन इस एपिसोड में इस कॉस्ट्यूम के टीजर से ये इंडिकेशन मिल रहा है कि डेयर डेविल मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट एपिसोड में ही एंट्री कर सकता है, क्योंकि वैसे भी अब शी हल्क के सिर्फ 4 एपिसोड्स ही रह गए हैं। और जहाँ इस एपिसोड में ये कंफर्म हो गया है कि शी हल्क नाम अब सिर्फ जेनिफर वॉल्टर्स का है और साथ ही उसे उसकी न्यू सुपर हीरो कॉस्ट्यूम भी मिल चुकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट एपिसोड फीचर कर सकता है मैट मर्डॉक और जेनिफर वॉल्टर्स के इंटरेक्शन के साथ साथ शी हल्क और डेयर डेविल के इंटरेक्शन को भी। लेकिन उसके लिए वेट है एक और हफ्ते की। अगर आपने शी हल्क के पिछले एपिसोड्स का ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट से वो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।